बिटमैक्स जो है मेरे हिसाब से एक गोल्ड माइन है, ठीक है, बस आपको डिग करना आना चाहिए कि किस तरह से निकालना है उसमें से। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे, और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ओपन फॉर प्रॉफिट में, जहाँ पे हम क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड चर्चा वगैरह करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये कहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, और जो लोग नए हैं या जिन्होंने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना, बेल आइकन पर क्लिक करना, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होते हैं वो आप लोग तक पहुँच जाए। और कोशिश ज़रूर करना कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने कोशिश की है समझाने की कि क्यों क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग है, फॉरेक्स ट्रेडिंग है, स्टॉक मार्केट, वो एक बहुत बढ़िया बिजनेस है, एक बहुत बढ़िया विकल्प है आपकी पार्ट टाइम फुल टाइम अर्निंग को, रेगुलर अर्निंग को जनरेट करने के लिए। और साथ ही हम ये भी चर्चा करेंगे कि किस तरह से हम हमारी इंडियन क्रिप्टो कम्युनिटी को और बेहतर कर सकते हैं, बेहतर इन द सेंस अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें, और बिटकॉइन है, टेक्निकल एनालिसिस है, इसको और किस हिसाब से बेहतर कर सकते हैं, किस हिसाब से इसमें प्रॉफिट कर सकते हैं। और टाइम बहुत प्रीशियस है, वक्त ख़राब नहीं होना चाहिए, क्योंकि वक्त वापस लौट के नहीं आता है, और टाइम इज़ मनी, ठीक है। तो किस हिसाब से हम अपनी कम्युनिटी को बेहतर कर सकते हैं, कम्युनिटी को और क्या क्या चीज़ हम दे सकते हैं, कम्युनिटी को क्या चाहिए, प्लीज़ अपनी अपनी राय ज़रूर बताइए, ताकि हम उस चीज़ पे वर्कआउट कर सकें जिससे आपका फ़ायदा हो सके, ठीक है, नॉलेज बढ़ सके। नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज है तो आप अपने फ्यूचर को, अपने भविष्य को, अपने कह सकते हैं क्रिप्टो कैरियर को एक सही दिशा में लेके जा सकते हैं। तो कोशिश ज़रूर करना कि इस वीडियो को पूरा देख सकें, और अपनी राय जो भी होगी वो कमेंट के थ्रू ज़रूर बताना। तो दोस्तों, आज के इस सेशन के अंदर, ठीक है, वैसे सेशन तो ये बहुत दिनों के बाद हुआ है, मेरे ख्याल से 1 महीने का गैप हो गया था, क्योंकि थोड़ा बहुत मेरा जो फोकस था वो दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर था जो कि क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड होते हैं, कॉल्स के होते हैं, एल्गोरिदम कॉल के होते हैं, तो उन सब की कोडिंग्स वगैरह चल रही थी, सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं, और हमारा जो जेड प्लस है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो दोस्तों, आज के सेशन के अंदर हम लोग BTC की प्राइस एनालिसिस वगैरह करेंगे, साथ में इथेरियम करेंगे, लाइटकॉइन का करेंगे, ट्रॉन का करेंगे, कार्डानो का करेंगे, बिटमैक्स के ऊपर, इसके साथ कुछ ऑल्ट कॉइन्स हैं उनके बारे में लोग थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, जो ऑल्ट कॉइन्स हमें अच्छा खासा एक प्रॉफिट दे सकते हैं, और जो ऑल्ट कॉइन्स कोरिलेट होते हैं कुछ दूसरे ऑल्ट कॉइन के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी 1-2 दिन पहले BLZ जो कॉइन था वो ज़बरदस्त पंप हुआ था, तो उस कॉइन के साथ जो कॉइन कोरिलेट होता है, कोरिलेशन के पहले कोरिलेशन के बारे में एक ऑलरेडी एक वीडियो मैंने डाली है, किस तरह से हमें देखना है कौन से कॉइन किसके साथ कोरिलेट करते हैं, कौन से कॉइन BTC के साथ कोरिलेट करते हैं, कि जब BTC का प्राइस ऊपर जाएगा तो सारे कॉइन्स ऊपर जाएंगे। तो BLZ जो कॉइन है उसके साथ एक और कॉइन है जो काफ़ी अच्छा खासा कोरिलेट करता है, जो है ZIL, ZIL, ठीक है, आगे हम बताएंगे इसके बारे में। तो अभी थोड़ा मार्केट के बारे में फटाफट अपडेट लेते हैं, और यहाँ पे मैं मार्केट कैप की बात नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी जो नज़र है अभी कुछ दिनों से, डैट इज़ ऑन BTC डोमिनेंस के ऊपर है। डोमिनेंस जो है 68.5 के आसपास चल रहा है, अच्छा खासा है, 65 अगर आ जाता है तो काफ़ी अच्छा और स्ट्रांग इंडिकेशन होगा फॉर BTC, ठीक है, क्योंकि सारा मार्केट पर अगर पकड़ BTC की होगी तो वो संतुलन सही नहीं रहेगा, ओके, समझे मेरी बात, संतुलन सही नहीं रहेगा, और मार्केट तभी अच्छा खासा बूम होगा जब BTC के साथ ऑल्ट कॉइन्स भी ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो देर सवेर आप ये ज़रूर नोटिस करना है कि BTC की जो डोमिनेंस है वो 65 के नीचे आ जाएगी, 60-65 के बीच में चलेगी, तब मार्केट काफ़ी अच्छा खासा ऊपर की तरफ रहेगा, ठीक है। यहाँ पे BTC की बात करते हैं, और BTC का जो सिनेरियो है, कहते हैं बिटमैक्स के ऊपर तो बहुत ऊपर नीचे चल रहा है, ओके, 200-300 पॉइंट, दैट इज़ वेरी नॉर्मल। अगर आप एंट्री लेते हैं और स्टॉप लॉस रखते हैं 50 पॉइंट नीचे, तो वो इजीली हिट हो जाएगा, ठीक है। आप रख सकते हैं स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, इन केस आप लेटर पोजीशन नहीं करना चाहते हैं तो आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख सकते हैं, 1 या 2% का हिट होता है कोई बात नहीं, फिर आप एक बॉटम में वापस से री एंट्री लीजिए, लेकिन लॉस को कभी बड़ा मत करना, ये फॉर्मूला बैठा के रखिए, इसको पकड़ के चलिए, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। तो इससे पहले वाला जो कॉल था हमारा BTC के ऊपर, वो एक लॉन्ग पोजीशन का था, 9200 का ऑलरेडी टच हो गया था, उसके बाद से प्राइस नीचे की तरफ आया है, और नीचे पे मैंने ट्विटर टेलीग्राम वगैरह पे बताया था कि 8750 जो है क्वाइट पॉसिबिलिटी उसको हिट करेगा, बिकॉज दैट इज़ द लिक्विडेशन पॉइंट फॉर लॉन्ग, जो लॉन्ग पहले फंसे हुए हैं वो यहाँ पे लिक्विडेट होंगे, उसके बाद से गाड़ी आगे जाएगी। और लिक्विडेशन के दो लेवल्स होते हैं, पहला लेवल 8750 का है, और अगर इससे नीचे भी जाता है, दैट इज़ डबल लिक्विडेशन, तो जो प्राइस है दैट इज़ 8508 के आसपास है, यानी कि 8520 के आसपास है,
और आप अगर एवरेज पकड़ना चाहते हैं तो 8650 विल बी द एवरेज, ठीक है। लेकिन मैं पहले लिक्विडेशन को पकड़ कर रखा हूँ और दूसरी लिक्विडेशन जो है वो डेट इज़ ए बैकअप प्लान। ओके, तो यहाँ पे 8750 को हिट किया है, उसके बाद से 8800 को भी इसने क्रॉस करके ऊपर की तरफ चले गया था 8810 के आसपास। और यहाँ पे मैं थोड़ा पेशेंस दिखाना है, और अगर ये जो प्राइस अभी 8800 को अच्छा खासा ऊपर की तरफ रहता है तो जो प्राइस है BTC का जो नेक्स्ट लेवल रहेगा, लॉन्ग का टारगेट्स रहेंगे, वो इजीली आप 8900 को आप देख सकते हैं। और 8900 के बाद इसके जो टारगेट्स रहेंगे डेट विल बी अराउंड 9200। 9200 मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो स्पाइक गया था, ठीक है, ये था तो एक लिक्विडेशन स्पाइक था, एक वीक था, ठीक है, लेकिन इट इज़ एन इंडिकेशन कि प्राइस यहाँ तक जा सकता है। तो अभी जो एक ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है वो एक ये पर्पल लाइन है, ठीक है, जो लगभग आता है 8820 के आसपास आता है। अगर इसको ब्रेक कर देगा तो क्वाइट पॉसिबिलिटी है कि हम इस लेवल पे जाएंगे, डेट इज़ 8900 के आसपास जाएंगे। तो जब पर्पल लाइन के ऊपर आता है प्राइस, ठीक है, तो आप जो स्टॉप लॉस है वो पर्पल लाइन तक लेके आइए, फिर जब रेड लाइन को क्रॉस करता है तो आपका स्टॉप लॉस रेड लाइन तक लेके आइए, इस हिसाब से करना है, ताकि इनकेस अगर नीचे भी आता है तो हमारी जो एग्जिट होगी डेट विल बी इन प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये एक BTC के ऊपर अपडेट है, और यहाँ पे अगर हम इसको RSI वगैरह देखते हैं, ठीक है, देखिए RSI जो है 15 मिनट का चार्ट जो है, RSI जो है 22 के आसपास है, बुलिश है 15 मिनट के अंदर। ओके, देन MACD का चार्ट देखते हैं तो वहाँ पे भी क्रॉस ओवर एक्सपेक्टेड है। कैंडल्स जो हैं सेल प्रेशर कम हो चुका है, और मेन चीज़ यहाँ पे हमें 4 आवर का चार्ट देखना है, और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। ओके, 4 आवर के चार्ट के अंदर भी आप देख सकते हैं ये जो हमारी लिक्विडेशन लाइन ब्लू है, लिक्विडेशन लाइन ब्लू सेकंड यहाँ पे है, और अभी ये जो कैंडल था यहाँ पे गया है। ओके, और यहाँ से इसने पंप ऊपर की तरफ लिया है, तो लेट्स सी कि ये वीक कैंसिल हो जाता है और इसके यहाँ से जो प्राइस है वापस से पर्पल लाइन को पकड़ के ऊपर की तरफ चलता है और धीरे धीरे ये ग्रीन लाइन को टच करेगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट लॉन्ग पोजिशन ओपन है, टारगेट इज़ नियर अबाउट 9200 या 9150 के आसपास टारगेट्स है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इथेरियम की बात करते हैं, और इथेरियम का जो मैंने कहा था कि अर्ली आवर्स में प्राइस ऊपर तक गया था तो शॉर्ट एंट्री करनी थी, लेकिन बहुत अर्ली आवर्स थे तो हम उसमें एंट्री नहीं ले पाए, और 85 का कहा था, 85 टच हुआ है यहाँ पे, और यहाँ से आप इसके अंदर एक लॉन्ग पोजीशन कर सकते हैं। टारगेट्स विल बी नियर अबाउट 190 के आसपास आप पकड़ सकते हैं। इथेरियम का आपको BTC के साथ लेके चलना है। ओके, और नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्डोनो की बात करते हैं। कार्डोनो को यहाँ पे मैंने आपको दी है एक शॉर्ट पोजीशन दी है, इस रेंज पे दी है नियर अबाउट 485 और 490 के आसपास मैंने दिया है, 495 के आसपास दिया है। टारगेट्स जो हैं इसके अराउंड 470 468 के आसपास यहाँ पे आ सकते हैं, इस लेवल पे आ सकते हैं। ओके, ये कार्डोनो की बात हुई है। नेक्स्ट मैं आपको ट्रॉन के बारे में बता देता हूँ, TRXZ19। ओके, और ट्रॉन में जो आपको ओपन करना है डेट इज़ ए लॉन्ग पोजिशन आपको ओपन करनी है अराउंड 210 215 के आसपास, और इसके जो टारगेट्स होंगे डेट कैन गो अराउंड 230 240 के आसपास इसके टारगेट जा सकते हैं। ओके, यहाँ तक जा सकते हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पे CME का चार्ट ओपन करता हूँ, और CME में जैसे मैं पहले बात करता था कि CME के जो गैप्स होते हैं वो फिल होते हैं, ठीक है, और इसीलिए जो CME का यहाँ पे जो गैप पड़ा था 25 अक्टूबर के बाद से यहाँ पे ये जो गैप पड़ा था और प्राइस चला गया था लगभग 10,000 के आसपास चला गया था, तो ये जो गैप यहाँ पे पेंडिंग था उसको फिल होना था, और उसी लिए प्राइस जो था वापस से आप ये स्पाइक देख सकते नीचे तक ट्रिगर हुआ था और अराउंड 8362 के आसपास गया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो गैप है ये ऑलरेडी फिल हो चुका है और प्राइस अभी यहाँ पे इस हिसाब से चल रहा है, और अभी नीचे मेरे हिसाब से कोई ऐसा परफेक्ट गैप नहीं है जिसको फिल करना बहुत ज़रूरी बनता है फॉर द टाइम बिंग। तो प्राइस मेरे ख्याल से 8500 से ज़्यादा नीचे एक्सपेक्टेड नहीं है मेरे हिसाब से। एनी हाउ जो चार्ट्स पर हमें दिखता है अकॉर्डिंगली हमें जाना है, अगर कल को चार्ट्स थोड़े और नीचे की तरफ आते हैं तो जो कैलकुलेशंस वगैरह है वो चेंज हो जाती हैं, कितने शॉर्ट पोजिशंस हैं, कितने लॉन्ग पोजिशन है, कितने ओपन ऑर्डर्स हैं, उन सारी चीज़ों की कैलकुलेट करनी पड़ती है और अकॉर्डिंगली आपको ट्रेड करना है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 8500 काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, और बाउंस बैक लेवल भी आप देख सकते हैं, यहाँ से काफ़ी अच्छा खासा बाउंस बैक हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम जो रैली एक्सपेक्ट करते हैं वो ऊपर की तरफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी रैली। तो दोस्तों ये था एक क्विक अपडेट ऑन BTC एंड अदर ऑल्ट कॉइन्स, और फाइनली आप लोग को ये कहूँगा कि बिटमैक्स जो है मेरे हिसाब से एक गोल्ड माइन है, ठीक है,
बस आपको डिग करना आना चाहिए कि किस तरह से निकालना है उसमें से। दो तरीके से होता है, या तो पेशेंस दिखाइए, बढ़िया से डिप के अंदर आप एंट्री लीजिए, ठीक है, और बड़े मुनाफे में निकलिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपको आपने अभी किया स्कैल्पिंग किया, कुछ लोगों को स्कैल्पिंग पसंद आता है, मैं भी स्कैल्पिंग ज़रूर करता हूँ, ठीक है। लेकिन स्कैल्पिंग जब आप करते हैं तो आपको जो एनालिसिस करते हैं चार्ट्स का, वो बहुत बढ़िया होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि आपको कहीं से कॉल मिल गई, ये मिल गई, तो आपने तुरंत उस पर एंट्री वगैरह ले लिए और फिर बाद में आप फंस गए, नीचे आए, तब क्या करना है। तो प्लानिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके। और मेरे हिसाब से देखिए, मैं ये कहता हूँ कि ट्रेडिंग जो है, यहाँ पे स्टॉक मार्केट आ जाता है, फॉरेक्स आ जाता है, आपका क्रिप्टो करेंसी आ जाती है, कॉमोडिटीज़ वगैरह आ जाती है। तो मेरे हिसाब से ट्रेडिंग जो है वो दुनिया का सबसे बेस्ट बिजनेस है, ठीक है। जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, सब जगह क्या होता है, स्टॉक मार्केट के ऊपर ही चलता है, ठीक है, ठीक है। IPOs वगैरह लॉन्च होते हैं, फंडिंग आता है, कहाँ से आता है, सब स्टॉक मार्केट से आता है। मार्केट को ऊपर नीचे करके मुनाफा कमाया जाता है। तो ये इसलिए सबसे बढ़िया बिजनेस है, आपको इसमें कुछ इन्वेंटरी वगैरह नहीं चाहिए, कोई भाग दौड़ नहीं करनी है, कुछ नहीं करनी है। आप आराम से अपने घर पे लैपटॉप पे AC में बैठ सकते हैं और 4-5 घंटे की ट्रेडिंग ही आप कर सकते हैं और पूरे महीने का प्रॉफिट ले सकते हैं, ठीक है। तो इससे अच्छा बिज़नेस क्या चाहिए, ठीक है। बशर्ते थोड़ा सा इसमें सीखना पड़ता है, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बहुत टफ़ चीज़ें ये नहीं सीख सकते, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसके अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं, ठीक है, जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी डिग्रीज़ नहीं है, लेकिन ये ट्रेडिंग की बारीकियों को ऐसे पकड़ लेते हैं, ठीक है। हम लोग तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, हम लोग तो चलो अभी भी सीख रहे हैं, और कुछ बड़े बड़े जो एनालिस्ट हैं उनकी बातें सुन सुन के थोड़ा अंदाज़ा लगाते हैं कैसे क्या हो सकता है। लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया चीज़ है, बस करने का तरीका आना चाहिए। अगर आपको पता है कौन सा लेवल ऊपर का है, कौन सा लेवल नीचे का है, कहाँ पे हिट होने वाला है, तो आप आराम से आँख बंद कर वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। मार्केट अभी ऊपर गया है, ठीक है, और अब 50-100 पॉइंट ऊपर गया, आपने वहाँ से प्रॉफिट निकाल लिया। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी की भी बात करता हूँ, 8750 पे हमने एंट्री ली, 8810 गया, और अगर मैं स्क्रीन पे भी देखता हूँ तो मुझे 0.015 के आसपास प्रॉफिट है, लगभग आप कह सकते हैं 5000 के आसपास लमसम प्रॉफिट होगा, ओके, ऑन 1 BTC ट्रेडिंग एट 2x लेवरेज के ऊपर, ठीक है। तो अगर आप आधे घंटे की ट्रेडिंग करते हैं, उसमें 5-7 हज़ार आपको मिल जाता है, फिर वापस आप करते हैं, तो बहुत इजी चीज़ है, इसमें कोई ऐसा नहीं है, लेकिन बस आपको सीखने की ज़रूरत है। और कॉल्स वगैरह मैंने ऑफिस से स्टार्ट वगैरह कर दिए हैं, तो उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। जेड प्लस जो है वो भी स्टार्ट हो चुका है, जिसके पीछे मैं 2 महीने से कोडिंग वगैरह कर रहा था, एल्गोरिथम्स वगैरह सेट कर रहा था कि ऑटोमेटिकली अगर चार्ट्स पे जो मैं ट्रेड कर रहा हूँ कहीं से कॉल मिलते हैं तो इंस्टेंटली आप तक पहुँच जाए, वो सारी चीज़ें हो गई हैं। और बीच में मैंने चालू भी किया था, आप देख सकते हैं नॉन स्टॉप कॉल्स आते रहेंगे आपको, चाहे ऑल्ट कॉइन्स हो, चाहे बिटमैक्स हो, ठीक है, बिटफ्रैक्स हो, बिटफिनिक्स हो, हर चीज़ के आपको कॉल्स उस पर मिलते रहेंगे, ठीक है। और मैं भी अभी बाकी कामों से फ्री हो चुका हूँ, जो इन सब चीज़ों के पीछे लगा था पिछले 2 महीने से। तो कोशिश यही की होगी कि यूट्यूब पे भी रेगुलर हो जाएं, ट्विटर पे भी रेगुलर हो जाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को अपडेट दें। बॉट्स के बारे में बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो बॉट्स के बारे में यही कहूँगा कि बॉट्स दोनों रेडी हैं, ठीक है, बिटमैक्स का और ऑल्टकॉइन का। लेकिन मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि बिटमैक्स का जो बॉट है वो इस वक्त के लिए सही नहीं है, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हैं, और बॉट जो है वो इमोशंस और ये सब को इतना जल्दी नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन बॉट्स जो हैं ऑल्ट कॉइन्स के लिए बहुत बेस्ट है। ऑल्ट कॉइन्स के लिए अगर आपको चाहिए बॉट्स वगैरह तो बता दीजिए, मैं आपको बता दूंगा किस हिसाब से उसको सेटिंग वगैरह करनी है, वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्विक अपडेट्स था, और आप लोग की क्या राय है, आप लोग को क्या लगता है मार्केट में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मैं हमेशा से ये चाहता हूँ कि हमारी जो कम्युनिटी है वो भी इन सारी चीज़ों के अंदर इंटरेस्ट लें, ठीक है, कि मार्केट की स्टडी, मार्केट कहाँ जा सकता है, मार्केट में क्या चल रहा है, BTC में क्या चल रहा है, इन सब के ऊपर ज़्यादा चर्चा हो, बाकायदा फालतू की चीज़ों पे, ठीक है, कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये उस पर ध्यान नहीं देना है, उस पर फालतू की चीज़ों पर डिस्कस करके कुछ नहीं मिलने वाला, ना आपको मिलने वाला है, ना मुझे मिलने वाला है, ठीक है। हम ट्रेडिंग किस लिए कर रहे हैं, फॉर प्रॉफिट कर रहे हैं, ठीक है। और आप अगर ट्रेडिंग पे ज़्यादा फोकस करेंगे, बिटकॉइन को ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, एनालिसिस के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, तो उसके अंदर मज़ा आता है, ठीक है, डिस्कशन करने में मज़ा आता है। तो उन सब चीज़ों के ऊपर फोकस कीजिए, कुछ आइडियाज़ दीजिए,
ताकि किस तरीके से चीज़ों को और बेहतर किया जा सके, क्या क्या नई चीज़ें लाई जा सके आप लोग के लिए, कम्युनिटी के लिए, तो अच्छा हो। ठीक है, और जाने से पहले ये कहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, और बहुत जल्दी हो सकता तो शाम को मिलते हैं कुछ नए अपडेट्स के साथ। ठीक है, टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।